सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग का आज हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. इसमें क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स एक साइड और इस साइड है क्वांटिटेटिव मेथड. नाम से पता चला क्वालिटी, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी किसी भी इंसान की या किसी भी चीज की क्वालिटी बताना, और क्वांटिटेटिव का मतलब है किसी भी चीज को न्यूमेरिक फॉर्म में बताना, मतलब न्यूमेरिकल बताना जिसको हम काउंट कर सके. तो फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव मेथड का. मेथड्स इंक्लूड फोकस ग्रुप इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड रिव्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर टाइप ऑफ थीम. इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान जो भी इंटरव्यू देने के लिए आता है या फिर किसी चीज के लिए वेरीफाई करने के लिए आता है या फिर डॉक्यूमेंट को रिव्यू द्वारा दिखाने के लिए आता है, तो इसमें क्या होता है किसी भी चीज की मतलब किसी भी इंसान को उसकी गहराई से देखना, उसके अंदर की ये देखना कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है क्या क्वालिटी नहीं है. और क्वांटिटेटिव मेथड सर्वे स्ट्रक्चर इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन. इसमें क्या होता है क्वांटिटेटिव मेथड में किसी भी चीज का, किसी स्ट्रक्चर का इंटरव्यू लेना या फिर किसी भी का भी ऑब्जर्वेशन करना या फिर जो पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे हो या फिर रिकॉर्ड्स रखे हो उसकी इंफॉर्मेशन निकालना, वो भी क्वांटिटेटिव में मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में. नेक्स्ट पॉइंट है दिस मैटर इज ए प्राइमरी इंडक्टिव प्रोसेस यूज टू फॉर्मुलेट थ्योरी और हाइपोथेसिस. इसमें क्या होता है ये जो मेथड होता है प्राइमरी इंडक्टिव प्रोसेस का होता है, और इसमें क्या होता है ये क्या फॉर्मुलेट करता है, ये फॉर्मुलेट करता है थ्योरी को और हाइपोथेसिस को कि किसी के अंदर किसी की जो हम लेके आए उसकी क्या थ्योरी रही है, उस इंसान में क्या क्वालिटी है. इसमें दिस मैथड इज ए प्राइमरी डिडक्टिव प्रोसेस यूज टू टेस्ट प्री स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन एंड हाइपोथीसिस डेट मेक अप अ थ्योरी. इसमें क्या होता है जो हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है इसमें क्या, सबसे पहले हम क्या कहते हैं ये डिडक्टिव प्रोसेस होता है, और क्या यूज कैसे करते हैं किसी भी टेस्ट का या फिर किसी भी चीज में, उसमें क्या होता है कि जो भी कॉन्टेक्ट हम लेके आएंगे वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसका कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो कंस्ट्रक्ट किया गया, कैसे कैसे वो चीज बनी है, उसके क्या हाइपोथेसिस है, तब मतलब इन सबको किसी पहले जैसे कोई भी इंसान है उसके बारे में फुल डिटेल लेने के बाद उसकी थ्योरी लिखना, वो आता है हमारे क्वांटिटेटिव में. और क्वालिटेटिव में क्या होता है वो इंडक्टिव प्रोसेस होता है और वो कोई भी थ्योरी होती है उसको ही वो मान के चलता है. नेक्स्ट पॉइंट है दिस मेथड इज मोर सब्जेक्टिव. ये जो मेथड होता है बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होता है. इट डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम और कंडीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दोज एक्सपीरियंसिंग इट. इसमें क्या होता है ये सबसे पहली बात ये सब्जेक्टिव मेथड होता है. सेकंड पॉइंट है कि इसमें जो इसकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं कंडीशंस होते हैं या फिर जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो सारे क्या होता है एक्सपीरियंसेस पे जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उस पर डिपेंड करते हैं. और ये क्या होता है जो हमारा क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव मेथड है इट प्रोवाइड्स ऑब्जर्व इफेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम ऑन प्रोग्राम ऑन अ प्रॉब्लम और कंडीशन. इसमें क्या होता है इस तरीके की कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसमें कि जब हम जैसा कुछ भी काम कर रहे हो या फिर किस चीज में हमें उसी टाइम देखते हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर कोई कंडीशन है तो उस चीज को उसी टाइम पे शॉर्ट आउट करते हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स ऑप्शन. या ये क्या होते हैं ये अनस्ट्रक्चर होते हैं सेमी स्ट्रक्चर होते हैं और जब रिस्पॉन्स ऑप्शन के पास होता है दिस मेथड हैज फिक्स्ड रिस्पॉन्स ऑप्शन. और जो क्वांटिटेटिव में इसमें क्या होता है फिक्स्ड रिस्पॉन्स ऑप्शन होते हैं. इट इज बेस्ड ऑन मेथड. ये क्या होता है जो इसमें बेस मेथड होता है वो बेस के ऊपर डिपेंड करता है. इट इज नंबर बेस्ड मेथड. इसमें क्या होता है जो भी हमारा बेस होता है मेथड का वो नंबर फॉर्म में होता है मतलब उसके काउंटेबल होता है वो. दिस मेथड इज मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑफ अ फ्यू केसेस. इसमें क्या होता है कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसे पूरी गहराई से उसके बारे में जाना जाता है. इट इज लेस इन डेप्थ बट मोर ब्रेथ ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस. इसमें क्या होता है लेस इन डेप्थ होता है मतलब ज्यादा गहराई से नहीं देखा जाता, परंतु जो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके जो केसेस होते हैं पूरे मतलब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरे को सॉल्व करके ही उस पॉइंट तक पहुंचा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज मोर स्टैटिकल टेस्ट. ये क्या होता है जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है वो स्टैटिकल टेस्ट होता है. और जो क्वांटिटेटिव है इट हैज स्टैटिकल टेस्ट विच आर यूज फॉर एनालिसिस. ये कहता है स्टैटिकल टेस्ट तो होता है जो क्वांटिटेटिव होता है पर क्या होता है किस पर यूज किया जाता है एनालिसिस के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
एट पॉइंट है, क्वालिटेटिव मेथड कैन बी वैलिड एंड रिलायबल लार्जली डिपेंड्स ऑन स्किल एंड रिजल्ट ऑफ द रिसर्चर। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्वालिटेटिव मेथड होता है वो वैलिड होता है, रिलायबल होता है लार्ज नंबर पे, और क्या होता है डिपेंड करता है वो पर्सन की जो स्किल्स है कि वो किस तरीके से उस चीज को पेश कर रहा है, किस तरीके से उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। और इसमें क्या, दिस मेथड कैन बी वैलिड एंड रिलायबल, ये मेथड भी वैलिड और रिलायबल होता है, लार्जली डिपेंड ऑन द मेजरमेंट डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट आर यूज। परंतु इस चीज की मेजरमेंट करते हैं और क्या होता है अच्छे से देखते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं कि सही है या नहीं है, किसके हिसाब से मेजरमेंट ऑन डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट आर यूज, जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड हैज टाइम एक्सपेंडिचर लाइटर ऑन द प्लानिंग एंड हैवियर ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज। ये क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है हमारा क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें क्या होता है जो भी प्लानिंग होती है या फिर प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, उसके थीम वगैरह क्या होता है या फिर कैश प्रोसेस होती है, उसको क्या होता है उसे करने से पहले उसे एनालाइज किया जाता है। और इसमें क्या, दिस मेथड हैज टाइम एक्सपेंडिचर हैवियर ऑन द प्लानिंग फेज एंड लाइटर ऑन द एनालिसिस फेज। इसमें क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो बिहेव हैवियर प्लानिंग के टाइम ही वो अच्छे से तैयार हो जाता है, और जब एनालिसिस होता है उस टाइम पे बहुत ही लाइटर होता है वो। मेथड इज लेस जनरलाइजेबल, ये जो मेथड होता है बहुत ही कम जनरलाइजर होता है। दिस मेथड इज मोर जनरलाइज, जो क्वान्टिटेटिव मेथड होता है बहुत ही ज्यादा जनरलाइजर होता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।